नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस YouTube चैनल पे। और BHU की काउंसलिंग का सबसे ज़्यादा आप सभी को इंतज़ार है। जो बच्चे BA, BSc, BCom में पढ़ना चाहते हैं BHU में, क्या उनका रिजल्ट कब आएगा, पहले राउंड का कैसे रिजल्ट आएगा, तो क्या प्रोसेस होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, BHU ने क्या किया था, जब बुलेटिन रिलीज किया था, सबसे पहली बात BHU की ऑफिशियल वेबसाइट है BHUonline.in। सारी प्रक्रिया जो आप कर सकते थे वो खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। प्रेफरेंस भरना था, भर चुके हैं। पेमेंट करना था, फॉर्म भरना था, सारी चीज़ें हो चुकी है। अब एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे जितना काम बचा है वो बचा है, आपके लेवल पे कोई काम नहीं बचा है। तो अगर आप देखोगे तो BHUonline.in है, ये वेबसाइट है, और यहाँ पे आप जाको, यहीं पे सारी अपडेट्स आपको मिलती हैं। तो जब इनकी बुलेटिन आई थी, जब शुरू में जब अपडेट आया था इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ एक लाइन लिखी हुई थी क्या, कि फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड अप्रॉक्सिमेटली 8 to 10 days आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ CUT रिजल्ट। 8 से 10 दिनों के बाद, 15 तारीख को रिजल्ट आया था, आज हो गया 10-25 तारीख, से भी ज़्यादा आज हो चुके हैं डेट, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो क्यों नहीं आ रहा, उसका मैं प्रोसेस आपको पूरी चीज़ें समझाता हूँ, और कैसे आएगा भी तो क्या होगा वो उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सबसे खास बात इस बार होने वाला है कि आपका रेगुलर और पेड सीट साथ में कराया जा रहा है, ठीक है। पहले रेगुलर सीट की पहले काउंसलिंग हो जाती थी, पेड की बाद में होती थी, लेकिन इस बार साथ में, आपने जो प्रेफरेंस में ऊपर भरा, आपके रैंक पे अगर वो मिल रहा है तो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए BHU में क्या होगा, कि सबसे पहले जब आपका रिजल्ट आया तो BHU ने एक बार फिर से प्रेफरेंस फॉर्म खोला, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने प्रेफरेंस नहीं भरा था, गलत भर दिया था, पेड नहीं भरा था, तो BHU ने एक बार खोला, ठीक है। अब BHU का जब प्रेफरेंस फॉर्म भरने का एंड हो चुका है, तो अब उनके सॉफ्टवेयर एनालाइज करेंगे, और पहले राउंड का रिजल्ट 1 से 2 दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है ना, 1 से 2 दिनों में, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी 2 अगस्त को रिजल्ट आ रहा है, आपको पता है, तो इसका भी हम अराउंड 2 अगस्त के अंडर ही हम मान सकते हैं, 2 अगस्त से पहले आ जाना चाहिए। अब रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, आप अपने पोर्टल पे लॉग इन करोगे, वहीं पे एक पेमेंट का या रिजल्ट का ऑप्शन करके आएगा, ठीक है ना, पेमेंट या सीट एलोकेशन या ऐसा करके कुछ ऑप्शन आएगा, ठीक है ना, सीट एलोकेशन, ठीक है। और आपको पेमेंट करने का 1 दिन का समय दिया जाता है, मतलब आज अगर रिजल्ट आया, ठीक है, तो आपको 1 दिन का, कल तक का समय दिया जाता है, आप ऑनलाइन पेमेंट करके सीट एक्सेप्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप कैंसिल हो जाएगा, आपको सीट अब नहीं मिलेगा, आपके नीचे वाले रैंक को मिलेगा, नीचे वाले मार्क्स को मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि जब रिजल्ट आ जाए तो आप डेली अपना पोर्टल चेक करिए, ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए पहली बार में अगर 300 नंबर वाले को मिला, ठीक है ना, अब मान लीजिए 300 तक बच्चे, 300 के ऊपर जिनका है उन्हीं को गई है रिजल्ट, ठीक है ना, उन्हीं को पेमेंट का लिंक गया है, ठीक है। तो अगर आपका 300 से कम है, 280 है, 290 है, तो आप डेली चेक करते रहिए, क्योंकि 1 दिन बाद जब ये पेमेंट अगर नहीं करेंगे, जैसे 300 के ऊपर जितने बच्चे थे सबको लिंक भेजा BHU ने उनके पोर्टल पे कि आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, बट वो बच्चों ने मान लीजिए कुछ ने पेमेंट किया, कुछ ने नहीं किया, क्योंकि उनको एडमिशन कहीं और लेना था मान लो, तो जिन्होंने पेमेंट नहीं किया अब वो सीटें बच गई, तो वो सीटें फिर 300 से नीचे वाले को भेजी जाएंगी आपको, ठीक है, फिर उनको 1 दिन का समय दिया जाएगा। तो ऐसे हर राउंड होते हैं, हर दिन एक नया राउंड होगा, ऐसे करते करते 1 हफ्ते तक चलता है, और 1 हफ्ते में सारी प्रक्रियाओं को खत्म कर लिया जाता है, ठीक है। लास्ट राउंड फिर होता है कि लास्ट राउंड में सबको भेजा जा रहा है कि इसमें जिसको जिसको भेजा गया आप पेमेंट कर लीजिए, लास्ट डे रहता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप BHUonline.in पे डेली, ठीक है ना, डेली जरूर पोर्टल को चेक किया करिए। फालतू के चैनल्स, फालतू की चीज़ें इधर उधर देखते हो तुम लोग, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे इधर उधर के सीरियल्स देखते हैं बैठ के, ये करते हैं, उससे बेटर है कि आप बैठ के अपना पोर्टल दिन में 2 बार चेक कर लिया करिए, क्योंकि वो आपको फ़ायदा देगा ही देगा, ठीक है। तो BHU के रिजल्ट की रही ये बात, ठीक है, कि 1 से 2 दिनों में हमें लगता है 2 अगस्त मैक्स टू मैक्स जाना चाहिए, कि ड्यू के अराउंड ही रिजल्ट इसका भी आएगा। अब बच्चों के मन में ये सवाल है ना कि सर अगर DU का रिजल्ट बाद में आया, BHU का पहले आया, तो मैं कैसे डिसीजन लूंगा, अभी तक मैं सोच नहीं पाया हूँ कि कहाँ लूँ, वहाँ कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो देखो, ये तुम्हें डिसीजन अभी लेना पड़ेगा उस समय, ठीक है, क्योंकि हो सकता हो DU में भी तुम्हें जो पहले राउंड में कॉलेज मिले अपग्रेड होकर और बढ़िया मिल जाए बाद में, ठीक है, लेकिन ये डिसीजन तुम्हें लेना पड़ेगा, क्योंकि क्लियर कट कट ऑफ ऐसा नहीं है कि तुम्हें पता है अभी से कि क्या आने वाली है क्या नहीं आने वाली है। तो ये तुम्हें सोचना पड़ेगा माइंड कि हमें BHU जाना है कि DU जाना है। अगर तुम चाहते हो कि BHU वर्सेस DU पे मैं एक वीडियो बना दूं, ठीक है ना, जिसमें हम बता दें बच्चों कि BHU में पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, DU में देखो बहुत मेजर डिफरेंस है BHU DU में पढ़ने का, ठीक है ना, ऐसा नहीं पढ़ाई के स्तर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक कॉलेज जो होता है ना सिर्फ आपको पढ़ाता नहीं है, आपको गढ़ता है, ठीक है, आपके पर्सनालिटी को इन्हेंस करता है, तो बहुत दोनों में फ़र्क है, ठीक है, फीस में फ़र्क है दोनों में, हॉस्टल्स के इन्वायरमेंट में, हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ में फ़र्क है।
तो ये सारी चीजें जो फर्क है ना, इसको आपको अगर समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक वीडियो लेके आ जाऊंगा कि कहाँ हमें पढ़ना चाहिए कहाँ नहीं। बाकी अल्टीमेट चॉइस तुम्हारी होनी चाहिए यार, अगर तुम्हें पढ़ने का मन है कहीं तो तुम्हें अगर लग रहा है कि बेस्ट है ठीक है जाके पढ़ो, तुम कहीं से भी बेस्ट निकल सकते हो। किसी छोटे से छोटे इंस्टीट्यूट से बड़े बड़े साइंटिस्ट पढ़ के निकलते हैं, ऐसा कोई नहीं कि बड़ा इंस्टीट्यूट होगा तो ही आदमी बड़ा बनेगा ठीक है। बस ये मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है तो उसको समझने की कोशिश करो ठीक है ना। बैल नहीं बनना है ठीक है, कि एक चला भेड़ों की तरह ठीक है ना, कि एक इधर चला ऊँ करके तो सब चल दिए इधर ही, ऐसे नहीं करना बाबू ठीक है। तो BHU के लिए आप परेशान मत हो, 1 से 2 दिनों में आ जाएगा, आएगा तो पेमेंट जल्दी कर लेना ठीक है, 1 दिन का ही समय बचता है, नहीं तो आपका लैप्स हो जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आपका रिजल्ट आता है तो आप सबसे पहले हमें फ़ोन करके बताइए कि सर रिजल्ट मेरा आ गया है, और आइए हमारे ऑफिस में हमको मिठाई खिलाइए ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उस पर हम वीडियो लेके आएंगे। जल्दी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, जैसे 2024 बैच के लिए बहुत सारे बैच की प्लानिंग चल रही है, आपके लिए नए नए क्लासेस आने वाले, नई नई चीज़ें आने वाली हैं ठीक है। काउंसलिंग प्रक्रिया में हर एक यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हमारे टीम के द्वारा बताया जा रहा है। आप देखिए, अगर आपका लो मार्क्स है तो मैं आपको बार बार एडवाइस करता हूँ बाबू कि आप भरिए अलग अलग जाके जगह, पहले एक सीट सिक्योर करिए कहीं ना कहीं ठीक है, बाद में उसके बाद आपके पास ऑप्शन होगा तो कैंसिल करा सकते हैं, फीस रिफंड हो जाएगी, UGC का नियम है ठीक है। तो आप एक सीट पहले सिक्योर करने की कोशिश करिए ठीक है, कहीं भी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भी दिख रही है ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों।